मम्मी तेरे पापा तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा तेरी नानी तेरी जमुना नगर वाली मम्मी सब बेटी चो सब बेटी चो सब बेटी चो। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब इट इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट इज पैसा व्यूज फेम सब्सक्राइबर छापने की मशीन। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपना लास्ट वीडियो 12 घंटे पहले अपलोड किया था एंड उस टाइम पे मेरे जो है 93.2 के सब्सक्राइबर्स थे, मतलब 93,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स थे एंड 12 घंटे के अंदर अंदर आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, मतलब 4,500 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर YouTube के इन चुगलखोर चैनलों का सही है यार, इधर का चुगली उधर, उधर का चुगली इधर, और फिर पैसा ही पैसा होगा। इन सारे भूसर में कैरी भाई ने अपना वो रखा यार, एक वो गांड नहीं यार, वो ओपिनियन। कैरी भाई ने ट्वीट किया है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। कैरी ब्रो, हाउ कैन यू कंपेयर टिकटॉकर विद गधे यार, वो हार्ड वर्किंग होते यार गधे। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। अच्छा नहीं, फिर सही है। ये अर्ज किया है, करूंगा ऐसी बात की तेरा दिल जलेगा, कहना करूंगा ऐसी बात की तेरा दिल जलेगा, सेक्स कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा। देखो इस फसल की शुरुआत हुई थी इलविस भाई की वो रोस्ट वीडियो से, जो कि रोस्ट वीडियो थी भी नहीं, और ये बात कब की खत्म हो जानी थी यार, अगर ये आके अपने बीच में नहीं मरवाता। और वैसे भी इलविस भाई को उस वीडियो में ऑफेंड होने वाली कोई बात थी ही नहीं, तुम अगर गौर से देखोगे वीडियो तो तुम्हें ये लगेगा कि इलविस भाई खुद के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा था। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, तुम मानोगे नहीं मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये मेरा डिप्रेशन दूर करती है। जब भी मैं सोचता हूँ, जब मेरे घर वालों कोई डांट देता मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कभी घर में फालतू उनका, मैं इस दुनिया में जब फालतू फील करता हूँ ना, तब मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे से फालतू लोग भी बैठे हैं इस दुनिया में जो नहीं होने चाहिए इस दुनिया में। गंदा ह्यूमर और गंदी शक्ल का मिक्सचर जब बन जाता है ना, तो ये निकल के आता है। तो सही है, एक मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, पर मुझे ये नहीं पता उसको यूट्यूबर कहेंगे या नहीं, क्योंकि जो लोग खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, वो दूसरे क्रिएटर्स की इज्जत करनी जानते हैं, पर उसको ना आती, वो सिर्फ अमित बदाना का कंटेंट कॉपी कर सकता है। क्या इलविस भाई अमित बदाना का कॉपी करते हैं? यार इलविस भाई, आपकी वजह से मैं पहली बार खुद के वीडियो में खुद का डिबेट हार रहा हूँ। आपने मेरा सर आज शर्म से नीचे कर दिया। चल बोजड़ी के। चलो मान लिया कि इलविस भाई अमित भराना को कॉपी करते हैं, लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? टिकटॉक वाले जो सेम साउंड पे सेम एक्सप्रेशन के साथ सेम 2 लाख से ज्यादा वीडियोज बना देते हैं। और जहां तक बात है YouTube की, तो तुम अगर YouTube के किसी वीडियो को सेम टू सेम अगर कॉपी भी करते हो ना, फिर भी तुम्हें 200 TikTok वीडियोस बनाने जितना मेहनत 1-5 मिनट की वीडियो बनाने में लग जाएंगे, समझे क्या? और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, उन वीडियोस के टाइटल और कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, स्टोरी और डायलॉग्स टोटली डिफरेंट होते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मुझे नहीं पता कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, मैंने इसमें इलविस यादव का रोस्ट किया है या फिर रिवॉल्वर रानी का, मुझे ये भी नहीं पता। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।